तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। ये एक्सप्रेसवे 24.2 किलोमीटर लंबा होगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से कंट्रोल एक्सेस होगा। इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 120 मीटर होगी। बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहले इस एक्सप्रेसवे को बनाने का जिम्मा यूपीडा के ऊपर था, अब इस एक्सप्रेसवे को NHAI द्वारा बनाया जाएगा। NHAI और यूपीडा की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का 10.2 किलोमीटर का हिस्सा बलिया में होगा और 14 किलोमीटर का हिस्सा गाजीपुर में होगा, जो गाजीपुर के हरदिया से बलिया के तीखा गांव तक होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से लखनऊ से बलिया तक कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और यमुना एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली जाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही दिल्ली से बलिया जाने में 12 घंटे का समय लगेगा। इस एक्सप्रेस वे के लिए 125 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। एक्सप्रेस वे कई स्थानों पर NH 31 से सट रहा है। यूपीडा ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था वो NH 31 के रूप के ऊपर ही बना दिया था और इसमें अनियमितता पाई गई थी, जिसके चलते NHAI नए सिरे से इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।